पीपल हु डोंट नो हिंदी स्लैश उर्दू लैंग्वेज स्किप टू 1:10। और जिनको उर्दू और हिंदी आती है वो भाई पूरी देखो, थोड़ा बहुत वॉच टाइम मिल जाए। हाँ मुझे पता है तुम लोग भी लुच्चे बन चुके हो अब। हैशटैग अनिल के ऑडियंस, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज रणल एंड यू वाचिंग मिस्टर धमाकेदार। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुआवे के बारे में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है तो सब कुछ मैं कवर करूंगा। एंड सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2020 में तो बहुत ज़्यादा कोरोना ने तंग किया, आई होप के 2021 में ऐसा कोई सीन ना हो। एंड यस, 2020 एक अच्छा साल भी था जिसमें मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। गेट बैक टू द वीडियो। तो बेसिकली हुआवे की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ ये है कि हुआवे कह रहा है 100 मिलियन स्मार्टफोन जो है ना लॉन्च करेगा हुआवे के हार्मनी ओएस 2.0 के साथ। और एक और भी चीज़ है, इसके अंदर सिर्फ हुआवे के फ़ोन्स नहीं होंगे, 40+ और ब्रांड्स है, इन सब के भी मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे हार्मनी ओएस पे स्मार्टफोन्स। अब कौन कौन से ब्रांड होंगे वो तो हुआवे ने मेंशन नहीं किया, लेकिन आई होप के हुआवे अच्छा जो है ना मोमेंटम क्रिएट करेगा हार्मनी ओएस 2.0 अपडेट के साथ। सो हियर इज द फुल आर्टिकल अबाउट हुआवे इन्वेस्टमेंट ऑन देयर चिपसेट्स। एंड यस, हुआवे इज लॉन्चिंग 100 मिलियन स्मार्टफोन्स विद देयर हार्मनी ओएस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स लाइक शाओमी, ओप्पो, वीवो एटसेट्रा। सो दिस इज फुल न्यूज ऑफ दिस वीडियो। हुआवे जो है ना अपने चिपसेट्स पे काम कर रहा है। TSMC जो कि US कंपनी है वो जो है ना सबको प्रोवाइड करती है अपने चिपसेट्स नैनोमीटर बेस्ड। तो सपोज़ करो एप्पल को कोई प्रोसेसर बनाना है तो TSMC से वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। सैमसंग जो है ना वो अपनी खुद ही बनाता है, कॉलकॉम यूज़ करता है। एंड जो कीरिन के चिपसेट्स होते हैं हुआवे के, हुआवे भी यूज़ करता है। और बिकॉज ऑफ US पैन हुआवे जो है ना ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, तो इसीलिए हुआवे अपने चिपसेट प्लान पे काम कर रहा है। सो यहाँ पर हुआवे ने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है 9Cube पे। 9Cube क्या है, एक EDA की तरफ से जो है ना एक कंपनी है जो कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन फार्म होता है जो कि चिपसेट्स के अंदर यूज़ होता है आर्किटेक्चर पे बेस पे, उसको जो है ना बनाती है। तो हुआवे ने जो है ना उस पर इन्वेस्टमेंट की है। सो हुआवे बेसिकली अपने चिपसेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। OS तो उन्होंने बना लिया हार्मनी OS, चिपसेट इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर स्मार्टफोन। बेसिकली वो उन्हीं पे ही काम कर रहे हैं। ये जो EDA मैंने आपको कंपनी बताई है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन फर्म बनाती है जो कि प्रोसेसर के अंदर यूज़ होता है। और इसका जो है ना मार्केट शेयर है 80% US कंपनीज़ के साथ। तो मतलब इसका कॉन्टैक्ट है US के साथ। एंड ये जो है ना अब हुआवे को प्रोवाइड करेगा वही टेक्नोलॉजी। एंड आगे जो है ना हुआवे अपने चिपसेट्स बिल्ड कर पाएगा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अगर वो अपनी बनाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है 2021 की एंड में जो है ना वो 10 नैनोमीटर पर पहुँचेंगे, जबकि जो बाकी ब्रांड्स हैं तब तक 3 नैनोमीटर तक पहुँच जाएंगे। तो हुआवे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इन्होंने जो है ना इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करके इसके जो है ना EDA जो फर्म है वो यूज़ करेंगे अपने प्रोसेसर में, जिससे मतलब उनकी जो है ना प्रोसेसर बनाने में स्पीड जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोसेसर वो बना पाएंगे। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआवे का ये हार्मनी ओएस कम्प्लीटली बेस करता है एंड्रॉयड पे या ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अभी तक तो सिर्फ यही न्यूज़ आ रही है हुआवे की तरफ से। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, हुआवे हमें ये भी कह रहा है कि ये जो 3.0 अपडेट आएगी, न्यू अपडेट ऑफ हार्मनी ओएस, उसमें जो है ना इंटरफेस फुली चेंज होगा। जैसे हमने अभी इंटरफेस देखा है 2.0 अपडेट का, उसमें एंड EMUI 11 पे इतना ज़्यादा गैप नहीं है। 3-4 न्यू थीम्स हैं एंड सिस्टम जो है ना फोन डायलर हो गया, मैसेजिंग ऐप हो गया, सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो कि हमने EMUI 11 में देखी थी। तो हुआवे कह रहा है कि हम नए इंटरफेस के साथ आएंगे, हमारा काम एंड्रॉयड को रिप्लेस करना नहीं है, एंड्रॉयड को सरपास करना है। मतलब कि एंड्रॉयड के बदले आपको चीज़ें देना नहीं है, एक न्यूली ऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ स्मार्टफोन्स दे वांट टू प्रोवाइड यू। सो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। एंड आई एम अनिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।